हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं इतना आसान तरीका लेके आई हूँ चाक में गोटा पट्टी लगाने का, अंडरग्राउंड वो भी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें कुर्ती को पहले पूरा फिटिंग विटिंग कर लेना है, नेक वगैरह पूरा रेडी कर लेना है सिल के। तो फिटिंग वगैरह सब हमने दे दिया है, पूरा रेडी कर लिया, बस नीचे हमें चाक बनाना है इसका। तो देखिए, चाक को इस तरह से लेना है हमें, उल्टा हमारा कुर्ती है, फिर इस तरह से इसको ये करना है। और जहाँ से हमारी चाक की सिलाई शुरू हुई है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे लॉक हुआ है, वहीं से हम नीचे जितना हमारा मार्जिंग है वहाँ तक हम निशान इस तरह से लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक मैंने मार्जिंग का निशान लगाया हुआ है पहले से। तो जितना हमारा मार्जिंग है उतने पर हम इस तरह से अच्छे से ये इंची टेप रख के, या आप स्केल भी रख सकते हैं, तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप इस तरह से अच्छे से एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे जितना हमारा चाक का मार्जिंग है। तो ये देखिए, इतना हमारा तैयार हमारा घेर बनेगा। तो इस तरह से मैंने लाइन खींच लिया। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड निशान लगा लेना है। तो ये देखिए, मैं आप चाहे तो आगे और पीछे दोनों साइड आप ये गोटा पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन केवल फ्रंट पार्ट में भी लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट है, हमने ले लिया है और कपड़े को सीधे साइड में हमने निशान लगाया है, कपड़े के जो सीधा साइड है उसी साइड में। और इस तरह से गोटा पट्टी को जो है उल्टे उल्टा पकड़ना है, कपड़ा को हमें सीधा रखना है, गोटा पट्टी को उल्टा रखना है। फ्रेंड्स, इसी तरह से यही तरीके से आप इसमें जो अंडरग्राउंड पाइपिंग होता है चाक में वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो लाइन हमने खींचा है उसी पे हमें सिलाई लगाना है। और सिलाई लगाते हुए ये देखिए, बस जो चाक का सिलाई हमारा है उससे बस आधा इंच या एक इंच ऊपर तक हम लेस सिल देंगे। तो ये देखिए, जहाँ पे हमारा चाक का सिलाई है वहाँ से एक इंच ऊपर तक मैंने इस पर सिलाई लगा लिया। तो ये हमारा लेस अटैच हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है, इसको इस तरह से एक फोल्ड करना है, फिर दूसरा फोल्ड करके, और आपको जितना पाइपिंग दिखाना है या जितना लेस दिखाना है उतने पे ही आप रख के सिलाई लगाइएगा। अगर ज़्यादा थोड़ा मोटा दिखाना है बड़ा, तो बड़े पे ऐसे रख के सिलाई लगाना है। अगर कम दिखाना है तो बस उतना पकड़ के उसी पे कपड़ा रख के हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से इस पे रखते जाना है और एकदम किनारे सिलाई हमें लगाते जाना है। बस इसमें यही है कि कितना हमें लेस दिखाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान तरीका है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से इस पर सिलाई लगाते हुए आ जाना है, और ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, और कुर्ती का लुक तो इतना बढ़ा देता है। अगर सिंपल कुर्ती है उसमें आप इस तरह से लगा लेंगे तो एकदम से रेडीमेड आपका कुर्ती बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेन कपड़ा है, उसमें मैंने ये गोटा पट्टी से इसको बनाया और ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से हो गया, और इसको पलट के फिर सिलाई लगाना। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल चाक के सिलाई लगाते उसी तरह से हमें सिलाई लगानी है, जैसे बिना हम पाइपिंग या गोटा पट्टी का सिलाई लगाते हैं उस तरह से। ये देखिए, पीछे के साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाते हुए आ जाना है हमें। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आ गए हम किनारे पर, और किनारे यहाँ पर चाक के पास जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से अच्छे से ये सिलाई लगाते हुए आना है, नॉर्मल चाक की सिलाई जैसे लगाते हैं उसी तरह से। देखिए, सुई को नीचे रखना है, प्रेशर फुट उठाना है और कपड़े को घुमा लेना है। घुमाने के बाद इसको इस तरह से फिर से प्रेशर फुट नीचे करेंगे, और करके यहाँ से देखिए फिर से हमें कपड़ा घुमाना है, और कपड़ा घुमा के जैसे हम सिलाई करते हैं उसी तरह से देखिए सिलाई लगाते हुए जाएंगे। और ये देखिए, अंडरग्राउंड ये गोटा पट्टी या समोसा लेस जो भी बोलते हैं वो इस तरह से लग गया, और बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि ये लगा कैसे है। एकदम ये अंडरग्राउंड पाइपिंग या गुम सिलाई आप जो भी बोलते हैं, देखिए इस तरह से ये लग गया। और ये चाक देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से आगे और पीछे दोनों साइड हमारी सिलाई हो गई। तो फ्रेंड्स, अब चलिए दूसरे साइड एक बार और मैं दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, दूसरे साइड भी इसी तरह से हमें ऊपर से सिलाई शुरू करना है। कपड़ा हमारा सीधा है, और जो गोटा पट्टी है उसको हमने उल्टे साइड से जो हमने लाइन लगाया है उसी के ऊपर से, जो निशान लगाया है उसी के ऊपर से इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद देखिए, इसको फिर यहाँ से कपड़े को एक फोल्ड
करके और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और एक बार मैं आपको और बताती हूँ, आपको जितना लेस दिखाना है उतने पे रख के सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और फ्रेंड्स इस कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग दोनों मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। फुल स्टिचिंग का वीडियो मेरे चैनल पे डला हुआ है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके हम जो नॉर्मल चाक की सिलाई होती है उस तरह से इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये सिलाई हो गई। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए और कितना सुंदर से एकदम बैठते जाता है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स ये गोटा पट्टी लगाने का। इसी तरह से आप पाइपिंग या कोई और लेस भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए हम चाक के पास। इस तरह से सुई को हमेशा हमें जब कपड़ा घुमाना रहता है फ्रेंड्स, तो सुई को हमें नीचे ही कपड़े में रखना रहता है। प्रेशर फुट उठा के कपड़ा घुमाएंगे तो आपको थोड़ा भी सिलाई इधर उधर नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट वहीं का वहीं पे रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाना है हमें और चाक की सिलाई हमारी दोनों साइड हो गई। ये देखिए चाक हमारी बनके रेडी हो गई। अब हमें जो नीचे का साइड है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके ये सिलाई लगा लिया और हो गया ना फ्रंट पार्ट हमारा गोटा पट्टी लग के तैयार। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ सिल के रेडी हो गया। तो ये देखिए एक साइड का हमारा ये सिलाई हो गया। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इस साइड भी फोल्ड हम कर लेते हैं। तो फोल्ड करके और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई। तो देखते हैं अब इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई हो गई और होने के बाद ये देखिए ये इस तरह से मैंने कुर्ती ये बनाया है प्लेन कपड़े को। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इसमें हमने सो बटन लगा लिया तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और गोटा पट्टी के साथ ये बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए इधर से टक्स वगैरह भी हमने डाल दिया और कुर्ती ये हमारा बन के रेडी हो गया। यहाँ पे टच बटन भी हमने शोल्डर पे लगा लिया है ब्रा पट्टी के साथ, तो इससे हमारा एकदम स्लीवलेस कुर्ती एकदम बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स एक बार और रिक्वेस्ट है आपको, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।